वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, Hey guys, welcome back to my new vlog. आज काफी दिनों बाद आपके पास आ रहे हैं कुछ नई चीज लेके. आपने सोचा भी नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, क्रिस गेल और इसके अलावा सैकड़ों क्रिकेट प्लेयर नामी ग्रामी, यह सारे के सारे आपको फिर चौके छक्कों की बरसात के साथ ग्रेटर नोएडा में खेलते हुए एक ही मंच पे दिखेंगे, जो आईपीएल की तर्ज पर आईवीपीएल हो रहा है, इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग. तो आज उसका इनॉग्रेशन है और उसका पहला मैच है जो मुंबई वर्सेस तेलंगाना के बीच में है. तो आपको दिखाते हैं कुछ वीवीआईपी लाउंज से, जुड़े रहिए. जैसा आप देख रहे हैं प्लेयर्स आ गए हैं पिच पे, और जनरल वीके सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन कराया. और शेफाली बग्गा इसमें कमेंट्री के लिए भी आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा है. स्पॉन्सर्ड बाय वीवीआईपी, चेयरपर्सन मिस्टर प्रवीण, सारे के सारे लोग मैच के लिए आ चुके हैं ग्राउंड पे. Here we have chairperson of VVIP IVPL Mr. Praveen. थोड़ा सा बताएं इस ग्रुप के बारे में कि ये किस तरीके से मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है. ये फर्स्ट है हमारा, ये हमने पहले भी करे हैं. जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया जी, यानी BBCI, इसके तहत हमारा जो है ये IVPL का आयोजन हो रहा है जी, और जिसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमें हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड मुंबई. Okay. इस प्रकार से 6 फ्रेंचाइजी टीमें हैं जिसमें बहुत सारे नामी प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, यूसुफ पठान और एशलिन नल्स, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके मैं नाम, आप जो है बहुत सारे नाम आपको याद भी नहीं है. और ये सिल्वर जुबली पर पहली बार जी, सिल्वर जुबली हमारी जो है इसकी बोर्ड की है, तो उस पर हमने IVPL शुरू किया, यानी इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग. जिस प्रकार से हमारे इंडिया में एक IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही एक इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग का ये आयोजन किया जा रहा है, और ये पहला हमारा संस्करण है. और ये इंडिया में इसी प्रकार से फेमस हो जाएगा जिस प्रकार से IPL फेमस है. IPL से भी मुझे लग रहा है ये बड़े लेवल पर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें माननीय गडकरी जी भी इन्वॉल्व हैं. और ये हमारे जो है ना, हमारे बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, और आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री वीके सिंह जी, जनरल साहब आए थे. हाँ जी, इनॉग्रेशन उन्होंने ही करा था. केसी तेगी जी आए थे और जी, फॉर्मर एमपी हैं. 26 तारीख को जो है हमारे राजीव शुक्ला जी आ रहे हैं. अच्छा जी, BCCI वाले. 28 तारीख को हमारे गडकरी साहब आ रहे हैं. नाइस नाइस. 30 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में श्री अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं. अरे वाह वाह, इस प्रकार से बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं. और मेरे ख्याल से जी न्यूज भी इसका पार्टनर, चैनल पार्टनर है आपका. हमारा जो है मीडिया पार्टनर है ना, मीडिया पार्टनर है. तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे शो हो रहा है. बाकी इसका NCR में इस लेवल पे जलवा होगा, ये तो कभी हम NCR वालों के लिए मतलब सुना नहीं था ना सोचा था, बट आज इसका साक्षात हम अपने सामने देख रहे हैं. और ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन भी है मेरे ख्याल से, जो बच्चे आगे इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं या अपना करियर बनाना चाह रहे हैं. आप तो वैसे भी क्रिकेट और स्पोर्ट्स के लिहाज से शोमैन बताए जाते हैं इस इंडस्ट्री के, बिकॉज आपने तो
नेहरू स्टेडियम भी आई थिंक गवर्नमेंट से आप ही के पास है, जिसमें आप काफी बच्चों को आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। इवन कुछ बड़े बड़े प्लेयर हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर जो आप ही लोगों के द्वारा खड़े हैं उनमें कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो सुरेश रैना जी कुछ हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और वो आप ही का पार्ट हैं। मतलब आपसे काफी उनकी नजदीकियां भी रही हैं और काफी जगह तो कहा भी गया हुआ है इस चीज को कि भाई वो आप ही की तरफ से इंडियन टीम में हैं, तो आपका मतलब इसमें काफी इंटरेस्ट रहा और ये चौका हुआ इसी के साथ ही। टाइम हो गया हमारा बाहर निकलने का, ये स्टेडियम में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो सुरक्षा के इंतजाम आप देख ही रहे हो पीछे। गाइस फाइनली कंक्लूजन, मुंबई वन द मैच बाय 26 रन्स एंड मैन ऑफ द मैच पीटर ट्रेगोर रहे हैं आज के। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मैच विच विल बी टुमारो, विल सी यू, बाय।